और इनके साथ ही मैं अब आग्रह करूंगा डॉक्टर श्री ओम प्रकाश वर्मा जी से कि वे आज का व्याख्यान दें। परम पूज्यपाद श्रीमद् स्वामी बुद्धदेवानंद जी महाराज, श्रीमद् स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, श्रीमद् स्वामी भावेशानंद जी महाराज, श्रीमद् स्वामी अंतरानंद जी महाराज, श्रीमद् स्वामी ईशक कामानंद जी महाराज, अन्य पूज्य सन्यासी वृंद, उपस्थित देवियों और सज्जन, अभी आपने परम पूज्यपाद श्रीमद् स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज से भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन और उनके उपदेश के संबंध में बहुत सुंदर वक्तव्य सुना। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने जो संदेश दिया वह था कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, यही उनके सारे संदेशों का सार है। आधुनिक युग को हम विज्ञान का युग कहते हैं, यह एक ऐसा युग है जहां चारों ओर विज्ञान की विजय ध्वनि सुनाई देती है। धर्म और ईश्वर आज जीवन में अंधविश्वास बन के आ गए हैं, नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है और भौतिक और इंद्रिय सुख ही हमारे जीवन के परम सुख के रूप में सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में भगवान श्री रामकृष्ण देव आते हैं और अपने जीवन के माध्यम से कलकत्ता जैसी भौतिकवादी नगरी के बीच रहकर बताते हैं कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है और यह ईश्वर की प्राप्ति किसी युग विशेष की धरोहर नहीं है। किसी भी युग का किसी भी वर्ग का आदमी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। हर युग में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को देखा है। श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन के माध्यम से बतलाते हैं कि यदि हमारे जीवन में ईश्वर प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो तो निश्चित रूप से ईश्वर हमको प्राप्त होंगे। उनका जीवन उनके संदेशों की साकार कहानी है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने प्राणों की बलि देकर भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहा था। श्री रामकृष्ण देव के जीवन के संबंध को आप सभी जानते हैं। आप जानते हैं कि कैसे भगवान श्री रामकृष्ण देव ने ईश्वर की प्राप्ति की। जगन माता के दर्शन नहीं हो रहे थे श्री रामकृष्ण देव को। जगन माता से कातर स्वर में पूछा करते थे, माँ क्या तुम केवल पत्थर की मूर्ति हो अथवा तुम्हारे अंदर कोई चिन्मयी सत्ता का वास है? माँ मुझे मालूम है कि तुम्हारे भीतर चिन्मयी सत्ता का वास है, फिर तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं देती? रोते बिलखते जमीन में रगड़ते उनका शरीर लहूलुहान हो जाता, कहते माँ आज का भी दिन बीत गया तुमने मुझे दर्शन नहीं दिया। और एक दिन श्री रामकृष्ण देव के जीवन में व्याकुलता इतनी अधिक बढ़ गई कि श्री रामकृष्ण देव ने कठोर निर्णय लिया। श्री रामकृष्ण देव ने सोचा कि उस जीवन का कोई मतलब नहीं है जिसमें जगन माता ने कृपा नहीं की हो, वे अपने जीवन का अंत कर देने का निश्चय करते हैं। मंदिर में चले जाते हैं, खड्ग लटकती है उस खड्ग को निकाल लेते हैं और अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहते हैं। ऐसे तीव्रता और व्याकुलता के प्रचंड क्षणों में जगन माता की मृण्मयी मूर्ति चिन्मयी बन जाती है। जगन माता के दर्शन श्री रामकृष्ण देव को होते हैं।
जिस रूप को देखने के लिए श्री रामकृष्ण देव वर्षों से तड़प रहे थे वह रूप उनको दिखाई देता है। और फिर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अरे ईश्वर क्यों नहीं मिलेंगे? उन्होंने तो यहां तक कहा कि 3 दिन 3 रात यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के लिए रोएगा तो जरूर उसको ईश्वर के दर्शन होंगे। एक व्यक्ति के जीवन में कितने अधिक वर्ष होते हैं, कितने दिन कितनी रातें होती हैं। और श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि मैं दावे के साथ कहता हूं रे कि 3 दिन 3 रात, केवल 3 दिन 3 रात ईश्वर के लिए रोना है, ईश्वर दर्शन देंगे। तो श्री राम कृष्ण देव ने सबसे पहली बात कही कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है भगवत लाभ। श्री राम कृष्ण देव ने ईश्वर के अतिरिक्त किसी की कामना नहीं कही, ईश्वर के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहा। ईश्वर से मिलना, ईश्वर से बातें करना, उनसे वार्तालाप करना, उनके साथ एकाकार हो जाना, यही श्री राम कृष्ण देव के जीवन का उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य को संदेश के रूप में श्री राम कृष्ण देव ने सारी दुनिया को बताया। श्री राम कृष्ण देव के जीवन का एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है जो आज की स्थितियों के लिए अत्यंत प्रभावशाली है, और वह है उनके सर्वधर्म संभाव की धारणा। देखिए, विज्ञान के अधुनातन उपलब्धियों के बावजूद आज संपूर्ण राष्ट्र संघर्ष की अग्नि में जल रहा है। प्रति क्षण हम संकीर्ण होते जा रहे हैं। श्री राम कृष्ण देव ने इस धार्मिक संकीर्णता को अपने जीवन के माध्यम से दूर किया। सभी धर्मों की साधनाएं श्री राम कृष्ण देव ने अपने जीवन में की। दुनिया में केवल एक ऐसा महापुरुष श्री राम कृष्ण देव हुए जिन्होंने सब धर्मों की साधना अपने जीवन में की। पहले हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों की साधना की, वैष्णव, शैव, शाक्त, तांत्रिक, अद्वैतवादी, और फिर ईसाई और मुसलमान बनकर श्री रामकृष्ण देव ने बता दिया कि सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य एक है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि धर्म को लड़ाई का विषय मत बनाओ, हो सके तो अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति करने का प्रयास करो। व्यक्ति अपनी संकीर्ण बुद्धि के कारण धर्म के क्षेत्र में संकीर्णता उत्पन्न कर लेता है। श्री राम कृष्ण देव कहानी बताते थे। वे बताते थे कि 6 अंधे हाथी के स्वरूप को जानने के लिए हाथी के पास गए। उन अंधों ने हाथी के भिन्न भिन्न अंगों को स्पर्श किया, और जिस अंधे ने हाथी के जिस अंग को स्पर्श किया उसे ही उस हाथी का रूप वे मान लिए। जिसने हाथी के मस्तक को छुआ उसको लगता है कि हाथी ढाल की भांति होता है। जिसने हाथी के कान को स्पर्श किया उसको लगा कि हाथी सूपे की भांति होता है। जिसने हाथी के सूंड को स्पर्श किया उसे लगा कि हाथी अजगर की भांति होता है। जिसने हाथी के पेट को छुआ उसको लगा हाथी दीवाल की भांति होता है। जिसने हाथी के पैर को छुआ उसे लगा कि हाथी स्तंभ की भांति होता है, और जिसने हाथी के पूंछ को छुआ उसे लगता है कि हाथी डोरे की भांति होता है। ये सभी अंधे हाथी के स्वरूप को लेकर आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। ये कथा श्री रामकृष्ण देव अपने शिष्यों के संबंध में बताते हैं और कहते हैं कि ईश्वर के संबंध में, सत्य के संबंध में भी ठीक इसी प्रकार की बात होती है। सत्य के झगड़े वस्तुतः दृष्टि की अपूर्णता के कारण होते हैं। सत्य तो अनंत अनादि भावमय है, सत्य के अनेक रूप हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके लिए सत्य का अलग रूप है। प्रत्येक व्यक्ति सत्य को पहचानना चाहता है और अपनी बुद्धि के आधार पर सत्य के जिस रूप का अनुभव वह करता है उसे लगता है कि वही रूप एकमात्र सत्य है। उसको लगता है कि सत्य के जिस रूप का अनुभव मैंने किया है वही एकमात्र सत्य है, और सत्य का दूसरा रूप जिसका अनुभव दूसरों ने किया है वह सत्य है। देखिए मानव बुद्धि की कैसी बड़ी विडंबना है। एक ओर वह सत्य को अनादि और अनंत कहता है और दूसरी ओर वह उसी सत्य को
अपने बुद्धि के संकीर्ण दायरों में बांध देना चाहता है। इसी से संकीर्णता उत्पन्न होती है, इसी से मतांधता उत्पन्न होती है, इसी से विभिन्न धर्मों में झगड़े उत्पन्न होते हैं। किंतु जो सत्य को समग्र रूप में देखता है, जो आंख वाले व्यक्ति के समान हाथी के समग्र अंगों को देखता है, वही यथार्थ देखता है, वही जान पाता है कि सत्य के ये सभी रूप सत्य हैं। जब तक सत्य की अनुभूति नहीं होती, तभी तक द्वेष होता है, तभी तक कलह होता है, तभी तक संघर्ष होता है। पर एक बार व्यक्ति जब सत्य का अनुभव कर लेता है, तब वह किसी भी देश का क्यों न हो, वह किसी भी काल का क्यों न हो, वह एक ही बात करता है। उसकी वाणी यह बतला देती है कि उस व्यक्ति ने सत्य के दर्शन कर लिए हैं। और ऐसा सत्य दृष्टा व्यक्ति फिर हमारे ऋग्वेद के मनीषियों के साथ स्वर में स्वर मिलाकर गा उठता है, इंद्रम मित्रम वरुणमग्नि माहुरथो दिव्यः ससुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। इंद्र मित्र वरुण यज्ञ जो कुछ भी सत्ताएं हम कहते हैं, अरे वो तो सब एक हैं, सत्य एक है, विद्वान उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। श्री राम कृष्ण देव ने इस सत्य की अनुभूति अपने जीवन में की थी, और इसीलिए श्री राम कृष्ण देव ने उपदेश दिया कि सत्य को, ईश्वर को संघर्ष का विषय मत बनाओ, ईश्वर की अनुभूति करने का प्रयास करो। तीसरी बात जो श्री राम कृष्ण देव के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, श्री राम कृष्ण देव ने बतलाया कि धार्मिक सत्य केवल बौद्धिक अनुमान की विषय वस्तु नहीं है, वे प्रत्यक्ष अनुभव के विषय हैं। जैसे विज्ञान के सत्य वैज्ञानिक होते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के सत्य भी वैज्ञानिक हैं। आप नरेंद्रनाथ की बात को जानते हैं, नरेंद्रनाथ उस समय विवेकानंद थे, विश्वविद्यालय के छात्र थे, पढ़ा था डेकार्ते के अहमवाद को, यूम बेक की नास्तिकता को, स्पेंसर के अज्ञेयवाद को, डार्विन के विकासवाद को, इन सब सिद्धांतों ने उनके मन में ईश्वर के प्रति संदेह पैदा कर दिया। घूमते रहे बेचैन होकर कि क्या संसार में ईश्वर का अस्तित्व है। कोई भी व्यक्ति नरेंद्रनाथ को नहीं मिला जो यह कह सके कि मैंने ईश्वर को देखा है। तब फिर ईश्वर को कैसे माना जाए? कथा लंबी है। श्री राम कृष्ण देव के पास नरेंद्रनाथ पहुंचते हैं और उनसे भी यही प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा महोदय, यह बतलाइए कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? और श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, निसंकोच कहते हैं, हाँ बेटा, मैंने ईश्वर को देखा है। जैसे मैं तुझे देख रहा हूं ना, उससे भी अधिक स्पष्ट मैंने ईश्वर को देखा है। और इतना ही श्री राम कृष्ण देव कहते नहीं, आगे वे कहते हैं, तू भी यदि ईश्वर के दर्शन करना चाहता है तो मैं तुझे भी ईश्वर के दर्शन करा सकता हूं, पर जैसा कहूं वैसा करना होगा। यही धर्म की वैज्ञानिकता है। श्री राम कृष्ण देव धर्म के वैज्ञानिक हैं। जैसे विज्ञान के सत्य सार्वभौमिक होते हैं, श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि धर्म के सत्य भी सार्वभौमिक हैं। ऐसा नहीं है नरेंद्र कि केवल मैंने ईश्वर को देखा है, तू भी ईश्वर को देख सकता है। संसार के प्रत्येक युग में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को देखा है, पर जैसा मैं कहूं वैसा करना पड़ेगा। शास्त्रों में ईश्वर के संबंध में ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताए गए हैं, उस मार्ग को जीवन में अपनाओ। फिर किसी भी देश का व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी जाति का व्यक्ति क्यों न हो, उसको ईश्वर की अनुभूति होगी। तो यह जो धर्म का मार्ग है, धर्म का सत्य है, यह भी पूर्णतः वैज्ञानिक है। इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, आपको ईश्वर की अनुभूति होगी। और एक अंतिम बात कहकर, स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक अंतिम बात कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। श्री रामकृष्ण देव की एक गृहस्थ महिला थी, श्रीमती नवगोपाल घोष। श्रीमती नवगोपाल घोष ने अपने घर में श्री रामकृष्ण देव की पूजा के लिए एक सुंदर कक्ष बनाया था।
एक दिन श्रीमती घोष स्वामी विवेकानंद के पास आई और उनसे कहीं कि देखो ठाकुर कहा करते थे जहां नरेंद्र मुझे रखेगा वहां मैं रखूंगा, तो तुम्हारे हाथ से मेरे घर में श्री रामकृष्ण देव के छवि की प्रतिष्ठा हो ये मैं चाहती हूं। मना करने की कोई बात नहीं थी। स्वामी जी तैयार हो गए, शुभ दिन तय किया गया, वह शुभ घड़ी आई। स्वामी जी ने गंगा स्नान किया, श्रीमती घोष के घर में गए, उस नूतन पूजा कक्ष में गए, सुंदर वातावरण था, सुवसित अगरबत्ती जल रही थी, पुण्य नक्षत्र था, शुभ दिन था, शुभ क्षण था। ऐसे शुभ क्षण में स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण देव की छवि को श्रीमती घोष के यहाँ प्रतिष्ठित किया और श्री रामकृष्ण देव से अनुरोध किया कि आप इस परिवार में रहिए और इनका मंगल करिए। स्वामी विवेकानंद तो श्री रामकृष्ण देव के प्रत्यक्ष दर्शन करते थे, यही उन्होंने केवल मुंह से कहा नहीं, उन्होंने श्री रामकृष्ण को साक्षात देखा और अनुरोध किया कि आप इस परिवार में रहिए और कल्याण इनका कल्याण करिए। ऐसा कहकर जैसे ही उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया, उनके मुख से यह स्तोत्र बिना किसी परिश्रम के अनायास ही निर्झरणी की भांति निकल गया, जिसका पाठ प्रतिदिन श्री रामकृष्ण देव के लाखों भक्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद कह उठे, स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हे धर्मों के संस्थापक, हे सर्वधर्म स्वरूप, हे अवतार वरिष्ठ रामकृष्ण, तुमको मेरा प्रणाम है। तो यह जो श्लोक है वह श्री रामकृष्ण देव के जीवन के अर्थ को प्रकट करता है। श्री रामकृष्ण देव आए थे धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आए थे, पर वे केवल हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए थे, वे तो सकल धर्मों की प्रतिष्ठा के लिए आए थे। उनके प्राण सिंचन से प्रत्येक धर्म प्राणवान हुआ है। एक हिंदू उनके संदेशों का आश्रय लेकर एक अच्छा हिंदू बन सकता है, एक मुसलमान उनके संदेशों का आश्रय लेकर एक अच्छा मुसलमान बन सकता है, एक ईसाई उनके संदेशों का आश्रय लेकर एक अच्छा ईसाई बन सकता है। तो ऐसा अद्भुत महान श्री रामकृष्ण देव का जीवन था। उन्होंने जीवन के प्रति हमको एक नवीन दृष्टि दी। श्री रामकृष्ण देव के संदेशों को यदि हम अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। बस इतना कहकर मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। आप सब ने मुझे सुना, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद।